हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं सिद्रा हसन, जिन्होंने ये पूछा है कि क्या सर प्राइमरी की में कुछ चेंजिंग हम करना चाहें तो कर सकते हैं, और चेंजिंग भी ऐसी करनी है लाइक अगर कोई लड़का है जिसका नाम राम है और उसका रोल नंबर 3 है, और एक दूसरा लड़का है जिसका रोल नंबर श्याम रोल नंबर 2 है या 3 है, तो इन दोनों के रोल नंबर्स को क्या एक्सचेंज कर सकते हैं हम, क्या ऐसा संभव है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो इसी की बात आज हम करने वाले हैं। तो इत्मीनान से ये वीडियो देखते रहिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से क्रिएट पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक नया सिनेरियो, नया सीन आपके सामने आएगा, माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी विंडो आपको दिखेगी। अब ये देख सकते हैं आप, यहां पर आपको ये व्यू पे क्लिक करना है और यहां से डिजाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे डिजाइन पे क्लिक करेंगे टेबल 1 आ रहा है, टेबल 1 ही रहने देता हूं, और यहां पे अब हम डिजाइन कर लेते हैं। लाइक यहां पे कर देता हूं रोल नंबर, ये देखिए मैंने कर दिया रोल नंबर, ठीक है। तो अब यहां पे ऑटो नंबर है, मैं इसे नंबर कर देता हूं ताकि मैं खुद से नंबर दूंगा, तो ये रोल नंबर कर दिया। और यहां नेम ऑफ स्टूडेंट करता हूं, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बनाया है, आप देख सकते हैं यहां पे ये की सी बनी हुई है, दैट इट मींस कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। इसे मैंने प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। यहां पे राइट क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की आएगा, और इसे मैंने प्राइमरी की बना दिया। और यहां पर ये स्टूडेंट है भैया, ये स्टूडेंट है, एस है, ठीक है। तो ये प्राइमरी की हमने बना दिया, और यहां व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब यहां पे 0 लिखा हुआ आ रहा है। चलिए आइए इस कांसेप्ट को समझते हैं जो इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब यहां पर एक नाम रख देता हूं मैं, राम, आर ए एम राम लिख दिया मैंने, ये एक स्टूडेंट का नाम है। और यहां पे कर देता हूं जावेद, यहां पे कर देता हूं सोनू, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहां पे सोनू कर दूंगा। लेकिन अब चूंकि प्राइमरी की है और हमने यहां पे कुछ दिया नहीं है तो ये इस वजह से दिक्कत कर रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ऊपर जो दिख रहा है यहां पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने इसे बना दिया है प्राइमरी की, ठीक है। और तो इसको पहले यहां से हटाते हैं, यहां पे 2 करता हूं, और यहां पे क्या करते हैं हम, यहां पे 1 कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर अब इन दोनों को एक्सचेंज आप कर सकते हैं आसानी के साथ। अब ये मैं यहां पे कर देता हूं सोनू, एक और नाम लिख दिया मैंने सोनू, ठीक है। अब यहां पे रोल नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, 3 कर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि क्या राम का रोल नंबर 3 हो सकता है कि नहीं, तो इसको पहले आप हटा दीजिए, यहां कुछ भी मत रखिए, ठीक है। अब कुछ भी ना रखने का मतलब यह है कि यहां पर आपको 1 करना है, फिलहाल के लिए आप यहां पर कुछ भी रख दीजिए, 6 आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। और यहां पे कर देता हूं रोल नंबर 3, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, यहां रोल नंबर 1 कर दीजिए, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है रमेश, ठीक है। अब इस रमेश का जो रोल नंबर है वो मान लीजिए यहां पे कर दिया मैंने 6, ठीक है। और यहां पे अब मैं चाहता हूं कि ये जावेद का रोल नंबर और रमेश का रोल नंबर एक्सचेंज हो जाए, यानी कि इनका 2 हो जाए, इनका 6 हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो यहां पर अगर आप 6 करते हैं तो ये अपोज करेगा, आपको ये 6 लिखने नहीं देगा, ठीक है। जैसे यहां पे आएंगे तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अच्छा ये है कि यहां से इसे हटा दीजिए, कुछ और लिख दीजिए, लाइक 8 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहां से इसे हटाइए, यहां पर कर दीजिए अब सब कुछ कीजिए 2, ठीक है। और अब यहां पे 6 कर दीजिए, अब ये 6 एक्सेप्ट कर जाएगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि इसे एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।